सो हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी का ऋषि ऋषि यूनिवर्स में। और आज मैं लौटा हूँ स्टार गर्ल सीजन 3 एपिसोड 4 का पॉडकास्ट लेके। तो ये जो एपिसोड है ये ड्रॉप किया है कल ही और आज मैंने इसको देख लिया है और ये मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड लगा अभी तक सीजन में। जो 3 एपिसोड आया है उसके अंदर में ये सबसे बेस्ट एपिसोड था। सॉरी आई हैव बीइंग रॉन्ग, सीजन 3 एपिसोड 3 लेके। तो विदाउट एनी फर्दर एडू इन 3 2 1 चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार गर्ल का जो एपिसोड 3 है वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे शुरू होता है। इसका नाम है द ब्लैकमेल। तो यहाँ पे जो है कोर्टनी और जितने भी सारे हैं वो सब अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कैसे जो मतलब जो गैम्बलर है उसको मौत हुआ है, उसको किसने मारा है, ये सब रिसर्च कर रहे हैं। योरंदा का अभी लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि सिंडी बर्मन इज द मर्डर, और स्टारमैन को अभी तक लग रहा था कि शेर इज द मर्डरर, लेकिन शेर को बाद में प्रूफ हुआ है कि ही हैज़ द एलिबाई कि ही वॉज नॉट देयर प्रेजेंट व्हेन शेर मतलब गैम्बलर इज बीइंग मर्डर्ड। और ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि मतलब सिंडी और जो ग्रैंडी ऐसा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है गैम्बलर का, जो वैन जिस तरह से टूटा गया है वैसे डिस्ट्रक्शन सिर्फ मतलब ग्रैंडी कर सकता है, लेकिन ग्रैंडी जो है वो अभी मतलब ही इज़ बीइंग वैनिश्ड एंड ही इज़ डेड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द आवरमैन जो है अभी नया जो मेंबर है आवरमैन में, मतलब जेसे का जो नया मेंबर है उसका जो नाम है उसको यह अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब वो जो लड़का है वो जो आवरमैन बनता है उसके अनुसार ग्रैंडी जो है वो मतलब मर चुका है और उसका जो ग्रेवियर्ड है वो अभी भी वैसे के वैसा है। इसीलिए तो ग्रैंडी के लिए भी ये मतलब पॉसिबल नहीं है ताकि वो आके गैम्बलर को मार दे। तो ये मतलब एक मिस्ट्री बहुत सारा तैयार हुआ है यहाँ पे। और स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टारमैन है वो भी ऑन द रोड है कि ताकि ही इज़ एक्चुअली गोइंग अराउंड द ब्लू वैली to find a new business so that he can actually having something to do alongside his own life. वो अभी तक मतलब ज़िंदगी में सिर्फ स्टार मैन या स्टार पेंगल्स किट की तरह ही मतलब रह रहा था और वो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द जे से, लेकिन अभी फाइनली वेन ही हैज़ गिवन द शेयर द बैटन विद स्टार गर्ल एंड गिवन हिज स्टफ टू स्टार गर्ल, तो उसके बाद उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो अपना आपका एक लिविंगहुड लाइवलीहुड ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा है ब्लू वैली में टू फाइंड समथिंग। वहाँ पे वो येलेना से भी मिलता है, योलांडा से मिलता है, जहाँ पे वो योलांडा से बात करता है कि या यू आर द न्यू वाइल्ड कैट एंड द वाइल्ड कैट जो एक्चुअली था टेड ग्रैंड, उसके बारे में बहुत सारे कुछ उसके बाद बोलता है येलांडा को, और येलांडा का बहुत इंस्पायर करता है कि या आई एम लाइकिंग योर एटीट्यूड एंड योर परस्पेक्शन ऑफ जजमेंट ऑफ सिंडी बर्मन जो टेड ग्रैंड पे ऐसा करता था, ये वो किसी के ऊपर मतलब उतना आसानी से क्रश नहीं करता था, ये सब हो रहा था। तो जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड था वो बहुत स्लो था, लेकिन यानी कि मतलब ये सीन यहाँ पे हो रहा है, वो सीन वहाँ पे हो रहा है। ऑन द अदर हैंड देखते हैं कि जो क्रूक्स फैमिली यानी कि जो स्पोर्ट्स मास्टर है और जो एक विलेन है जिसका उसका मतलब जो बीवी है वो दोनों ही आता है, जैसे कि वो लोग नेबर है स्टार गर्ल की, वो तो स्टार गर्ल पैट डुगन और सबके साथ खाने के लिए आता है और वहाँ पे वो लोग आते हैं, ये सर ब्रेकफास्ट भी करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो देखते हैं सिंधी बर्मन जो है वो एक मतलब कुछ अपना रिसर्च चला रहा है ऑन द हिज ओन हाउस जो कि एक बंकर है, आईएसए बंकर जो पहले था, जो यहाँ पे ड्रैगन किंग उसका पापा भी रहता था। तो वहाँ से वो कुछ सेंड करता है डॉक्यूमेंट्स टू नो वन बट डॉक्टर मिडनाइट का जो मतलब ग्लास है, उस ग्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन आता है अबाउट द ब्लैकमेलिंग गैम्बलर वॉज एक्चुअली डूइंग ऑन ब्रुक्स। तो बाद में जब ये इन्फॉर्मेशन सबके बीच में शेयर करता है डॉक्टर मिडनाइटर, तो सब कहते हैं कि शायद जो द ब्रुक्स फैमिली है यानी कि जो वाइल्ड स्पोर्ट्स मास्टर वाला जो फैमिली है और जो यानी कि जो जो लड़की है उनका जो कि स्टार गर्ल की कॉलेज में ही पढ़ता है उसका जो पेरेंट्स है स्पोर्ट्स मास्टर, और उसका जो लड़की माँ है उसका नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद आ रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट में। तो वो दोनों ही शायद मारा है गैम्बलर को ताकि क्योंकि दे आर बीइंग एक्चुअली ब्लैकमेल्ड बाई द नेम इज़ गैम्बलर राइट या गैम्बलर। तो गैम्बलर को अपना ब्लैकमेल से अपने आप को रोकने के लिए शायद स्पोर्ट्स मास्टर और उसके बीवी ने मिलके गैम्बलर को मार दिया है, तो शक उसके ऊपर जाता है। सिंधी भी ये सोचता है लेकिन सिंधी को लगता है कि ये भी है ये बात उसको स्टारमैन को बताना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे स्टार गर्ल जो है उसको रोकता है और वो बोलता है कि नहीं सिल्वेस्टर पॉल बर्टन को ये बात मत बताइए, यानी कि स्टारमैन को ये बात मत बताइए, पहले हम लोग ये बात सब कुछ मतलब एकदम मतलब 100% श्योर हो जाए कि हाँ उन दोनों ही मारा है, उसके बाद हम लोग उन दोनों को फेस करेंगे, पहले उसके कॉन्फेशन लेना
में हम लोग जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं इनडायरेक्टली, अगर पता चलता है कुछ तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग ये एक्शन लेने के पहले हम लोग स्टारमैन को बताएंगे। लेकिन सिंडी ये बात नहीं सुनता है, सिंडी जाके स्टारमैन को यह बता देता है सब कुछ, लेकिन स्टारमैन ये बात पहले विश्वास नहीं करता है, तो उसको वो सिंडी को डायरेक्टली बोल देता है कि तुम ड्रैगन किंग का बेटी हो, मैं तुम्हें सबसे कम ट्रस्ट करता हूँ स्पोर्ट्स मास्टर को, तब भी तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, और उसका मतलब बात को मतलब इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता है जैसे कि जितने कि सिंडी को लगता था कि स्टारमैन उसको देगा। और स्टारमैन उसके साथ इतना खराब मतलब बिहेव करता है कि सिंडी एक्चुअली केम टू नो दैट एक्चुअली स्टारमैन मतलब सिंडी को लगता है कि स्टारमैन इज़ अ एस, एंड उसके बाद सिंडी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। लेकिन स्टारमैन जो है ये बात सुन के मतलब बहुत ही अपना मन बना चुका होता है, और यहाँ पे मिडल ऑफ द एपिसोड भी आ जाता है, और द सीजन एक्चुअली द एपिसोड एक्चुअली गॉट्स हॉटर एंड बिगर एंड बेटर। तो स्टारमैन अपना स्टाफ लेके जहाँ पे जो ब्रुक्स फैमिली है यानी कि वहाँ मॉल चला जाता है, वहाँ पे मतलब एक्सक्लूसिव और एक्सटेंसिव फाइट सीन होता है बिटवीन स्पोर्ट्स मास्टर एंड स्टारमैन एंड उसके वाइफ के बीच में, मतलब स्पोर्ट्स मास्टर का वाइफ स्पोर्ट्स मास्टर, और स्पोर्ट्स मास्टर का वाइफ शायद टाइग्रेस या टाइग्रेस ऐसे कुछ है उसका नाम, टाइग्रेस स्पोर्ट्स मास्टर और स्टारमैन के बीच में। स्टारमैन का जो जितना भी एक्शन सीन था विद द स्टफ दैट वॉज जस्ट फैंटास्टिक, टू वॉज द VFX वॉज फैंटास्टिक, द फ्लेक्सीबिलिटी द मतलब द मूवमेंट हैंड टू हैंड एक्शन फाइट्स कोरियोग्राफी वॉज फैंटास्टिक। वहाँ से एक्चुअली में जो स्टोरी है वो एक्चुअली में जो एपिसोड का वो बनना शुरू होता है, और जो एपिसोडिक मतलब एंडिंग आता है क्लाइमेक्स वो मतलब फैंटास्टिक रहता है। और जो मतलब क्या क्यों स्टारमैन था, वो उसका जो कंट्रोल है ओवर द कॉस्मिक स्टफ वो मतलब देखने को मिलता है ड्यूरिंग दैट फाइट, एंड ही वाज जस्ट यूजिंग इट लाइक अ मतलब लाइक हिज एक्सप्लोरिंग हिज ओन फुल पावर लाइक अ सुपर पावरफुल सुपर हीरो लाइक सुपरमैन लाइक ब्लैक एडम, तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर ले रहा था, और ही वॉज एक्चुअली ऑन द न्यूज़ एंड ही वॉज एक्चुअली गोइंग टू किल बोथ स्ट्राइपरेस एंड स्पोर्ट्स मास्टर। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे स्ट्राइप्स ही आ जाता है यानी कि पैट डुगन आ जाता है विद हिज ओन रोबोट, एंड एक्चुअली ही स्टॉप स्टारमैन एंड ही एक्चुअली सेड स्टारमैन टू गो टेक बैकवर्ड्स या टू गो बैकवर्ड्स एंड सो दैट ही कैन स्टॉप द फाइट, एंड ही एक्चुअली टेक रेस्क्यूड क्या वाइल्ड कैट एंड नॉट वाइल्ड कैट सॉरी स्पोर्ट्स मास्टर एंड टाइग्रेस फ्रॉम द प्लेस, एंड उन लोगों को लेके जाता है घर में। तो सब जाके वहाँ से वो सिंडी और नॉट सिंडी स्टारगर्ल पैट डुगन और उसका जो बीवी है वो सब मिलके, और जो मतलब स्पोर्ट्स मास्टर और उसका बीवी जो है टाइग्रेस सब मिलके ये डिस्कस कर रहा था कि हाँ उन लोगों को एक्चुअली में गैम्बलर ब्लैकमेल करता था, लेकिन गैम्बलर को वो लोग पैसा दे रहा था, लेकिन इसी टाइम के बाद गैम्बलर अपना पैसा लेना बंद कर दिया इसकी, लेकिन इसकी वजह से वो लोग सोच रहा था कि गैम्बलर के साथ इस बारे में बात करेगा अबाउट दिस ब्लैकमेल सो डैट इट कैन बी स्टॉप, लेकिन वो लोग गैम्बलर को नहीं मारा है। तो ये सब बात जाने के बाद जो है स्टार गर्ल को भी ये मतलब कॉन्फिडेंटली 100% श्योर हो जाता है कि हाँ शायद ये लोग सही बोल रहे हैं और स्पोर्ट्स मास्टर और टाइग्रेस ने गैम्बलर को नहीं मारा। उसी टाइम पे जो है बहुत गुस्सा होकर स्टारमैन वहाँ पे उन लोगों के घर में घुसता है, और वहाँ पे घुस के जब वो देखता है कि स्पोर्ट्स मास्टर और मतलब टाइग्रेस उसी सेम घर में है, तो वो और भी ज़्यादा मतलब चिढ़ जाता है। उसके बाद जो है वो डाउन द एटिक चला जाता है जहाँ पे उसके साथ बात करने के लिए पैट डुगन जाता है, तो पैट डुगन को उसको वो स्टारमैन पूछता है कि तुम किसके साइड की हो, मेरे साइड की हो या टाइग्रेस या स्पोर्ट्स मास्टर के साइड की हो, आज जब मैं उन लोगों को मार रहा था टू फाइंड आउट द ट्रुथ तो वाई यू हैव प्रोटेक्टेड देम दे आर द क्रिमिनल्स। तो उसी टाइम पे पैट अपना जो है वो लाइन क्लियर कर देता है, वो बोलता है कि वो सब दिन चला गया है जैसे वाला पुराना जैसे वाला जैसे भी अभी नहीं रहा है, नया जैसे बन चुका है, यहाँ पे मैं स्ट्राइप्स ही हूँ, मेरा भी एक आइडेंटिटी है, मैं किसी का साइडकिक नहीं हूँ। और वहाँ पे एक मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग व्यू और विशन और फोकस दिया गया है पैट के कैरेक्टर के ऊपर, पैट डुगन के कैरेक्टर के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि स्टारमैन इससे मतलब बहुत ही मतलब शॉक हो जाता है, और स्टारमैन को ये बात मतलब रियलाइज़ होता है कि हाँ अभी वो दिन चला गया है, वो अभी स्टारमैन नहीं है, ही हैज़ एक्चुअली पास द बैटन टू स्टारगर्ल, और कॉस्मो जो है कॉस्मिक स्टाफ वो भी अपना कंट्रोल में नहीं रहता है अभी उसका, तो उसको अभी कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन करना है अबाउट द मर्डर टू फाइंड आउट हु इज़ द एक्चुअली द मर्डर ऑफ गैम्बलर, तो उसको ये बात पता खुद को ही करना पड़ेगा कि बाई गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑन हिज ओन टू दैट प्लेस। तो जब वो जाता है ऑन टू इन्वेस्टिगेट ऑन दैट प्लेस जहाँ पे जो मर्डर हुआ है गैम्बलर का, तो वो उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारा CCTV कैमरास का फुटेज दिखाया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटर पे डिफरेंट डिफरेंट फुटेज दिखाया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो मॉनिटर के सामने कोई बैठा हुआ है जिसके जो एक एक्चुअली में ग्राउंडिंग कर रहा है, वो कौन है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। मुझे लगता है वही द बिगेस्ट विलन है इस सीजन का, और वो देख रहा है सब कुछ। वो उसको जब पता चलता है ये बात कि स्टारमैन वहाँ पे गया है टू फाइंड आउट द इन्वेस्टिगेशन
साइट सो डैट वी कैन फाइंड एनी क्लू कि किसने मारा है गैम्बलर को। उसी टाइम पे वो वहाँ से निकल जाता है और मतलब स्टारमैन के सामने कोई आ जाता है, बहुत मतलब बड़ा एक कैरेक्टर, मतलब एक कुछ मतलब इविल एनिमल टाइप का कोई जानवर आ जाता है। और उसके बाद जो है स्टारमैन को वहाँ से उठा लेता है, क्योंकि स्टारमैन के पास उस टाइम में कॉस्मो भी नहीं था, क्योंकि कॉस्मो वो यूज़ नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वो अकेला गया था उस टाइम पे वहाँ पे, तो वो पावरलेस होता है। तो उसी टाइम पर उसको उठा के और उसको मार के वहाँ पे फेंक देता है। तो वो जब गिरता है तो उसी टाइम पर उसको दिखता है उसके मुँह से ब्लड वर्ड निकल रहा है और ही इज़ बीइंग हर्ट एंड ही इज़ बीइंग अनकॉन्शियस। तो इसी टाइम पे जो है इसी पॉइंट पे एपिसोड ख़त्म होता है, जो कि मतलब बहुत ही मतलब मिक्स्ड एपिसोड था। जो स्टार्टिंग है वो बहुत मतलब स्लो और रिवर्व था, और लेकिन जाते जाते धीरे धीरे बहुत ही मतलब बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस की वजह से और बहुत सारे नया खुलासे और ट्विस्ट की वजह से ये शो मतलब एपिसोड बहुत ही मतलब हाई रेटेड एपिसोड बन गया इस सीजन का। और मेरे लिए ये रेपिड रेटिंग ऑफ द एपिसोड विल बी 9.6 out of 10। और इस एपिसोड में हम लोग कैमरन को भी देखते हैं, कैमरन जो पहले सबके साथ मतलब बुरा वर्तव्य कर रहा था, जिसके ऊपर जिसको खुद के ऊपर एक मतलब एंगर इशू हो रहा है, वो अपना स्कूल का जो मैडम है उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया। लेकिन उसी टाइम पे जो हावर्ड मैन वाला जो लड़का है उसने वो कैमरन को बोला कि तुम डोंट बी अ जर्क एंड अपोलोजाइज टू हर। एंड उसके बाद जब वहाँ से निकलता है तो पैट के साथ सिंधी भी मतलब नॉट सिंधी सॉरी स्टारगर्ल भी बात करने आता है, लेकिन स्टारगर्ल वहाँ पर बात करने जाता है लेकिन कैमरन उसको निगलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग देखते हैं कि स्टारगर्ल को खुद कैमरन जाके अप्रोच करता है और कैमरन उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ बात करने के लिए दे आर एक्चुअली टेकिंग अ वॉक, जहाँ पे दे आर एक्चुअली कमिंग क्लोज एंड दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग देयर ओन रोमांटिक रिलेशनशिप। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जब वो लोग मतलब दे आर एक्चुअली कमिंग क्लोज टू ईच अदर, उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सिंडी मतलब जो कैमरन है वो स्टारगर्ल का जो हाथ है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी टाइम पे उसको कुछ हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और एक्चुअली ये बात स्टारगर्ल को बहुत ही मतलब ग्रेग पैसेंजर जो है स्टारगर्ल हमारा उसको मतलब बहुत शॉकिंग लगता है, लेकिन वो इतना इस बात को मतलब तवज्जो नहीं देता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसको यहाँ पे अभी जाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो स्टोरी है कैमरन का जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बॉडीली, उसका जो धीरे धीरे आईसी की तरह बन रहा है, उसके अंदर से कोल्ड ब्रीथ निकल रहा है, उसको अपना पापा जैसा पावर मिल रहा है, तो उसके वजह से वो बहुत डिस्ट्रेस में है। और ये स्टोरी है ये भी अगले आने वाले एपिसोड में कवर करने वाला है इस एपिसोड ये सीरीज़ में। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट स्टोरी एंड ऑल्सो एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द होल एक्चुअल किलर इज़ फॉर द गैम्बलर और स्टारमैन का इसके बाद क्या होगा, उसको कौन रेस्क्यू करेगा और किस कैसे पता चलेगा हु इज़ द मेन विलन ऑफ दिस सीजन। तो ये सब देखने के लिए जानने के लिए आप लोगों को भी मेरी तरह देखना पड़ेगा स्टारगर्ल ओनली ऑन CW। तो गाइस अगर मेरा ये पॉडकास्ट विद ऑल ब्रेकडाउन सनिस्टर है आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन ताकि आप लोग एक भी वीडियो ना मिस करें जब भी कोई मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो अंटिल दैट टाइम #DC forever।